नमस्कार, मनी गुरु के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, बाजार का चाहे कैसा भी मूड हो, कैसा भी माहौल हो, SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक ऐसा टूल है जिससे आप लंबे समय में अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो कैसे? SIP ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब अलग अलग अवधि में, निवेश अवधि में आपको मुनाफा कमा कर दे सकती है, इस पर करने वाले हैं आज खास चर्चा। हमारे साथ जो खास एक्सपर्ट है उनका परिचय करा दे। आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड के डेप्यूटी CEO फिरोज अजीज का करते हैं शो में स्वागत। फिरोज, वेलकम टू द शो। और SIP की हम चर्चा कर रहे थे और ये एक ऐसा टूल है जो कि बाजार के किसी भी माहौल में कभी फेल नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरीके की उठापटक अभी हम बाजार में देख रहे हैं, लोगों के मन में, निवेशकों के मन में डर है कि उनके निवेश का क्या होगा। तो इसलिए सबसे पहले मैं करंट कॉन्टेक्स्ट से थोड़ा सा क्यू लेकर आपसे जानना चाहती हूँ कि बाजार चाहे कैसा भी क्यों ना हो, SIP हमेशा हिट क्यों है? स्वाति जी, SIP इसीलिए हिट है क्योंकि वो बहुत प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि वो आपके एक मुश्त निश नहीं करती। आमूमन लोगों को एक सैलरी आती है, मंथली आती है, SIP भी आपकी मंथली इन्वेस्टमेंट प्लान होती है तो सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करती है। तो पॉइंट वन इज प्रैक्टिकलिटी बहुत है क्योंकि सैलरीज आती है, इन्वेस्टमेंट होती है, पॉइंट वन। पॉइंट टू, मार्केट के उतार चढ़ाव जैसे आपने कहा स्वाति जी, इसमें इतनी इम्पैक्ट नहीं करती। जाहिर सी बात है इम्पैक्ट तो करती है, बट पॉजिटिवली इम्पैक्ट करती है, क्योंकि जब मार्केट नीचे होती है तो आपका दाम म्यूचुअल फंड का कम होता है, और जब आपके पैसे निवेश होते हैं तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं उसी म्यूचुअल फंड के। तो मार्केट जब नीचे है तो ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं, मार्केट जब ऊपर है तो कम यूनिट्स मिलते हैं उसी एक इंस्टॉलमेंट से। तो इसको कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। इसकी वजह से मार्केट की वॉलिटिलिटी का SIP फायदा लेता है, ना कि नुकसान। और SIP में बने रहने वाले की जो इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं मार्केट के उतार चढ़ाव में ज्यादा बेहतर हुई है, ना कि एक स्टेबल मार्केट में। तो स्वाति जी, द रीजन बिहाइंड इट इज SIPs गिव यू मोर यूनिट्स when the markets are down, and gives you lesser units when the markets are up. इसीलिए आपको SIP में ज़्यादा hit investment मिलता है from a volatility standpoint. बिल्कुल, चाहे बाजार का कैसा भी मौसम क्यों ना हो, SIP एक ऐसा तरीका है इन्वेस्टमेंट का जो हमेशा हिट है। और समझाए भी फिरोज ने आखिरकार इसकी वजह क्या है। अब अगर हम अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से और अलग अलग SIPs के हिसाब से समझें कि SIP से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वेल्थ कैसे क्रिएट किया जा सकता है, तो हम अलग अलग केस सिनारियों से आपसे समझेंगे फिरोज। अगर हम एक शुरुआत में एक नॉमिनल अमाउंट लें, मानिए 3,000 रुपये की SIP किसी को करनी है, और अलग अलग टाइम फ्रेम है, मानिए 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, तो ये जो 3,000 रुपये की SIP है वो आगे आने वाले 20 साल में वेल्थ क्रिएट करके कैसे दे सकती है? स्वाति जी, अगर हम SIP की बात करें तो हिस्टोरिकली SIPs, इक्विटी SIPs ने 14-16% भी रिटर्न दिया है। बट अगर हम कॉन्जर्वेटिवली लें इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स की जो SIP की रिटर्न 12% माने, तो 3,000 रुपए की SIP जो आप मंथली करेंगे उसकी वैल्यू 5 साल में करीबन 2,45,000 हो सकती है 12% की ग्रोथ पे। आप देखें, अगर 3,000 रुपए 5 साल के लिए अगर आप निवेश करते हैं तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाती है 1,80,000, और उसकी जो मेच्योरिटी वैल्यू होती है 12% की रिटर्न को एज्यूम करके ऑलमोस्ट 2,50,000 रुपए हो जाती है। वही अगर आप 10 साल तक वही 3,000 रुपए की मॉडेस्ट अमाउंट इन्वेस्ट करते रहे रेकरिंगली डिसिप्लिन के साथ, तो 6,90,000 इकट्ठे हो सकते हैं। 15 साल तक वही 3,000 करते रहे तो 12% की रिटर्न पे 15 लाख रुपए इकट्ठे हो सकते हैं। अगर आपने और 5 साल दे दिए और 20 साल तक ये 3,000 रुपए की निवेश की, तो 29 या ऑलमोस्ट 30 लाख रुपए इकट्ठे हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है जैसे अवधि बढ़ रही है, आप देख रहे हैं कि 5 साल की SIP के सिर्फ 2.5 लाख और 20 साल की SIP के ऑलमोस्ट 30 लाख। तो इसीलिए जल्दी शुरू करना भी इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंटली पैसे डालना भी इंपॉर्टेंट है। कहीं शुरुआत करें, 3,000 रुपए इतनी बड़ी अमाउंट नहीं होती। आज अगर आप 2 वीकेंड पे डिनर खाने जाते हैं तो 3,000 रुपए महीने के चले जाते हैं आपके।
तो ये अचीवेबल है 3,000 रुपए की SIP टू कलेक्ट 30 लाख अमाउंट इन 20 ईयर्स स्वाति जी। ओके, तो मतलब 3,000 के SIP 20 साल में लगभग 30 लाख रुपए आपको कमाकर दे सकती है, और उसमें भी अगर आप जल्दी निवेश की शुरुआत करते हैं और आपके पास एक्चुअली 20 साल का ये टाइम होराइजन है निवेश का, तो देखिए कैसे आप लखपति बन सकते हैं 3,000 की मात्र SIP से। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक SIP में। अब रकम थोड़ी निवेश की बढ़ा देते हैं, क्योंकि 3,000 की SIP हमेशा कोई निवेशक नहीं करता रहेगा, थोड़ी सी रकम बढ़ाएंगे भी वो। अब इसको थोड़ा सा हम स्टेप अप करते हैं और 5,000 रुपये SIP अगर मानिए कोई करता है, तो इसी सिनारियो में 5 से 20 साल तक की अवधि में 5,000 रुपये की SIP कितना वेल्थ क्रिएट करके दे सकती है। लेकिन उससे पहले सॉरी फिरोज, मैं आपसे 5,000 की SIP पर पूछूं राय आपकी। मैं 3,000 की SIP के लिए कुछ फंड के रिकमेंडेशन भी आपसे जानूंगी, और उसके बाद आप बताइएगा 5,000 की SIP पर, कि 3,000 की SIP को अगर मानिए ब्रेकअप किसी को करना हो और कुछ अच्छे फंड उनको अपने लिए चूज करने हो, तो आपकी पसंद क्या रहेगी? स्वाति जी, ये 3,000 रुपये 3 अलग म्यूचुअल फंड्स में जाने चाहिए और 3 अलग कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में जाने चाहिए। तो एक लार्ज कैप स्कीम लूंगा, एक लार्ज मिड कैप स्कीम और लास्टली एक फोकस्ड एक्विटी स्कीम। ये तीन स्कीम्स 3 कैटेगरी में। पहली स्कीम होगी फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, जो लार्ज कैप कैटेगरी की है। DSP एक्विटी अपॉर्चुनिटीज, जो लार्ज एंड मिड दोनों किस्म की कंपनियों में पैसा लगाती है। और लास्ट में एक फोकस्ड कैटेगरी जिसमें कम से कम स्टॉक्स होते हैं, उसमें SBI फोकस्ड रेकमेंड करूंगा। तो ये 3 SIPs आप 1,000-1,000 रुपए की अगर करते हैं तो 12% की जो रिटर्न की उम्मीद है वो वाजबी है, और आने की अच्छी खासी 90-95% संभावना है कि आपको ये 12 से 14% की SIP की रिटर्न दे सकता है, स्पेशली वॉलटाइल मार्केट। ओके, तो 3,000 की SIP के अलग अलग फंड, अलग कैटेगरी से लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप और फोकस कैटेगरी के फंड, इनमें से किसी भी 3 फंड में आप 1,000 रुपए की SIP कर सकते हैं, और देखिए क्या कमाल होता है। अब 5,000 के SIP पर आते हैं। जैसा हम शुरुआत में कह रहे थे फिरोज आपसे, कि 5,000 के SIP से अब वेल्थ क्रिएशन का फॉर्मूला बताइए, 20 साल में कितने पैसे इकट्ठे कर सकते हैं? देखिए, अच्छी बात यह है कि अगर आप 5,000 रुपए कर लेते हैं तो 50 लाख रुपए इकट्ठे हो सकते हैं 20 सालों में, 5,000 रुपए मंथली डालने पे। और कोई मैं बहुत ज्यादा रिटर्न की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, 12% की रिटर्न की उम्मीद मेरे हिसाब से इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अचीवेबल है विद हाई डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो 50 लाख रुपए की अमाउंट कलेक्ट करने के लिए आपको 5,000 रुपए की कंसिस्टेंट 20 साल तक SIP करनी है, और ये 50 लाख आने की संभावना बहुत अच्छी है। तो 5 सालों में 4 लाख, 10 सालों में 11.5 लाख, 15 सालों में 24-25 लाख रुपए, और 20 सालों में जैसे मैंने बताया 50 लाख रुपए इकट्ठे हो सकते हैं स्वाति जी। तो मतलब 5 साल से 20 साल में कम से कम हम देख पा रहे हैं कि 10 गुना रकम आपकी बढ़ती है अगर आप बिल्कुल अनुशासन से अपनी इस SIP को आगे बढ़ाते रहते हैं, और अगर नॉमिनल जैसा फिरोज ने बताया 12% का अनुमानित रिटर्न भी हम मान ले, तो 20 साल में आप सिर्फ 5,000 के SIP से 50 लाख रुपए अपने लिए इकट्ठा कर सकते हैं, और एक बहुत अच्छे गोल को आप पूरा कर सकते हैं, अपने निवेश लक्ष्य को। और अब इस 5,000 के SIP के लिए किस तरीके के फंड में आप निवेश की सलाह देंगे फिरोज? स्वाति जी, क्योंकि अब 5,000 रुपए हो गए, अगर 1,000-1,000 रुपए भी डालें तो 5 फंडों की गुंजाइश हो जाती है। तो 5 अलग कैटेगरी के 5 फंड्स बता देता हूँ स्वाति जी। लार्ज, लार्ज मिड और फोकस तो हमने प्रीवियस कैटेगरी के लिए भी बोला था 3,000 रुपए के लिए। इसमें 2 और कैटेगरीज ऐड करेंगे, वो है मिड कैप कैटेगरी और कॉन्ट्रा कैटेगरी। उसमें जो स्कीम्स हैं फ्रैंकलिन ब्लू चिप, DSP एक्विटी अपॉर्चुनिटीज, SBI फोकस्ड, ये कॉन्स्टेंट रहेंगी 3,000 के लिए भी और 5,000 के लिए भी। और 2 स्कीम्स ऐड कर दूंगा, कोटक एमर्जिंग एक्विटीज जो एक मिड कैप स्कीम है, SBI कॉन्ट्रा एक कॉन्ट्रेरियन स्कीम है, जो तो ये 5 स्कीम में 1,000-1,000 रुपए की SIP टोटल 5,000 रुपीज एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान होगा। जैसे आपने कहा स्वाति की, अनुशासन और डिसिप्लिन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना क्या होता है कि जैसे आज मार्केट अगर गिरती है तो काफी लोग डराते हैं, आपको अपनी राह से भटकाने की कोशिश करता है। काफी बार न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि मार्केट 1,000 पॉइंट गिर गई, 2,000 पॉइंट गिर गई, तो उससे बह ना करके इसको लगातार करता जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि ये निष्कर्ष जो हम बात कर रहे हैं वो पूरा हो सके। ओके, तो 5,000 के SIP के लिए अलग अलग फंड, 1,000 के SIP भी इन फंड में करते हैं, 5 अलग में 20 साल में 50
इकट्ठा कर सकते हैं सिर्फ 5,000 के एसआईपी से। अब इस एसआईपी के अमाउंट को दुगना कर देते हैं और आजकल के टाइम में कम से कम इतनी एसआईपी तो करनी ही चाहिए निवेशकों को, और वो है 10,000 की रकम। अब 10,000 की रकम से वेल्थ क्रिएशन का फॉर्मूला क्या है, 20 साल में कितने बनेंगे? स्वाति जी, 20 साल में सीधे 1 करोड़ रुपए बनेंगे 12% की रिटर्न पे। अगर 15% की रिटर्न जो हिस्टोरिकली आई है तो 2 करोड़ रुपए भी बन सकते हैं। जो आपने कहा पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत मजबूत चीज है, बट लेट्स स्टिक विद 12,000। तो 1 करोड़ रुपया आप इकट्ठा कर सकते हैं 20 साल के लिए 10,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करके डिसिप्लिन के माध्यम से। तो देखिए, आप देख भी पा रहे टेबल में, 10,000 की रकम 5 साल में 12% से बढ़कर कम से कम 8 लाख के ऊपर पहुंच सकती है। 10,000 की रकम 10 साल में 12% के अनुमानित रिटर्न से 23 लाख बन सकती है। यही रकम 15 साल में 12% के एस्टिमेटेड रिटर्न से लगभग 50 लाख, तो 20 साल में एकदम उसका और भी ज्यादा 1 करोड़ रुपए, माफ कीजिए यहां पर लाख लिखा हुआ है, पर ये 1 करोड़ की रकम है जो कि हम देख पा रहे हैं 10,000 के इस निवेश से। अब ये 10,000 की एसआईपी का जो बाइफर्केशन होगा फंड्स का, वो किस प्रकार होगा फिरोज? स्वाति जी, मैं ये चाहूंगा कि एक 5 फंड काफी एक रोबस्ट पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो वही कैटेगरीज में 1-2 कैटेगरी और ऐड करूंगा, बट 5 ही फंड रखेंगे इस बार भी। एक होगा फ्लेक्सी कैप फंड जो इम्पोर्टेंट है, HDFC फ्लेक्सी कैप ऐड करूंगा, इन्वेस्टको मल्टी कैप, ये 2 जो कैटेगरीज हैं जो फंड मैनेजर को अधिकार देती हैं लार्ज मिड स्मॉल में डालने की, उसकी इंक्लूजन अगर मैं करूँ तो एक रोबस्ट पोर्टफोलियो बनेगा। तो उसमें इन्वेस्टको इंडिया मल्टी कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप, ये 2 एडिशन होंगे, और बाकी 3 स्कीम्स होंगी, DSP इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, कोटक एमर्जिंग इक्विटीज एंड SBI फोकस्ड इक्विटी। ये 5 स्कीम में 2,000 की अब SIP करनी है आपको, 5-5 स्कीम ही काफी होती है, और आपको 2,000 रुपए की SIP करनी है, कुल मिला के 10,000 रुपए पर मंथ कंसिस्टेंटली डालते जाना है। और ये पूरी 5 फंड्स जो मैंने बताई स्वाति जी, वो अलग कैटेगरीज की है और ये कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे से कम्पीट नहीं करती और कॉम्प्लीमेंट्री है, तो एक दूसरे के साथ जब मिक्स करके एक पोर्टफोलियो बनाया जाता है तो वेरी वेल डाइवर्सिफाइड एक पोर्टफोलियो बनता है कॉम्प्लीमेंट्री वाला। बिल्कुल, तो SIP से मुनाफे का फॉर्मूला हमने फिरोज से समझा। कुछ कॉलर से भी बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग को लेकर उनके क्या सवाल है। पहला कॉलर हमारे साथ है डॉक्टर अंकुश दुबे। अंकुश जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका अपने शो में, और आप कुछ एडवाइस चाह रहे थे अपने इन्वेस्टमेंट पर, थोड़ा सा हमें नटशेल में बताएंगे? हमारे पास है आपका सवाल, पर फिर भी एक जिस्ट आपके सवाल का कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। जी गुड इवनिंग मैम, मेरा सवाल एक्चुअली ये था कि मतलब मेरे जो एडवाइजर है जहाँ पे हम लोग SIP में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो मेरे 2 पोर्टफोलियो है, एक तो मेरे वाइफ के नाम पे और एक मेरा, तो मैं दोनों पोर्टफोलियो में खुद ही इन्वेस्ट करता हूँ। पर अभी आप जैसे आपको मैंने उसमें रजिस्ट्री भेजी, कुछ अलग अलग 8-9 SIP है अलग, जिसमें कुछ उन्होंने मुझे कहा है कि आप ये रख सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, कुछ में उन्होंने कहा कि आप बंद करके दूसरे में स्टार्ट करिए, और एक उनसे कभी एडवाइस मिलती है कि आप ये निकाल दीजिए और सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान जो SIP वो कुछ कहते हैं उसके थ्रू आप दूसरे में इन्वेस्ट करिए। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि कौन सी आप कंटिन्यू रखिए या नहीं रखिए, क्योंकि मेरा लॉन्ग टर्म गोल है बच्चे के एजुकेशन के लिए और रिटायरमेंट प्लान के लिए। आपने कोई अपने लिए एक टारगेट अमाउंट सेट नहीं किया है, कोई एक अप्रोक्सीमेट हमें आइडिया देंगे रिटायरमेंट के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे या फिर बच्चों की पढ़ाई के लिए कितने साल बाद? जी हाँ, मतलब कोई ऐसा स्पेसिफिक मैंने प्लान नहीं किया है कि रिटायरमेंट प्लान, जैसे कि वो लोग आइडिया भी देते हैं कि जो SIP शुरू करना है। ओके, ठीक है, चलिए हम अपने एक्सपर्ट से पूछते हैं कि कितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिरोज बताइए, कैसा प्लान है इनका? आई थिंक डॉक्टर साहब का जो प्लान है अंकुश, आपका काफी अच्छा प्लान है। 20,000 रुपए की आप SIP करते हैं, अगर मैं ये 20,000 रुपए 10,000 रुपए बच्चों की पढ़ाई के लिए और 10,000 रुपए रिटायरमेंट मानू, 15 साल में बच्चों की पढ़ाई और 25 साल में रिटायरमेंट, तो आपके 50 लाख रुपए और 2 करोड़ रुपए रिटायरमेंट के लिए इकट्ठे हो सकते हैं 12% की रिटर्न में, पॉइंट 1। पॉइंट 2, हमेशा एक गोल लेके चले। अगर आपके एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर आपको गोल के तरफ नहीं ले जाते तो अच्छी बात नहीं है। एक गोल रहता है, एक टारगेट रहता है, तो एक कमिटमेंट रहती है इन्वेस्टमेंट में, वरना वो कमिटमेंट डामाडोल हो जाती है मार्केट की उतार चढ़ाव में। सो एक टारगेट रखें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
जब हम गूगल मैप भी यूज करते हैं तो पहले अपनी डेस्टिनेशन डालते हैं, तब जाके गूगल मैप रास्ता बताता है। तो गोल वैसे ही होता है कि गोल के बगैर राह पे चल पड़ना अच्छी बात नहीं है। सो दैट्स पॉइंट टू। पॉइंट थ्री, ये इंपॉर्टेंट है कि आप 45,000 रुपए, आपने प्रश्न में बोला है कि LIC में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, LIC एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। हमने 1,000 पॉलिसी लास्ट 6 महीने में एनालाइज की, जो 10 साल होल्डिंग पीरियड थी उसमें सिर्फ 4.5% का रिटर्न आया। तो कभी भी ये इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों को क्लब करने का जो नुकसान होता है बहुत भारी होता है निवेशक के लिए। तो ये 45,000 जो LIC में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको इन्वेस्टमेंट्स ना माने, उसको रिडीम करें, और जब भी अर्लीस्ट रिडीम कर सकते हैं उसको रिडीम करें। टर्म प्लान खरीदें, बहुत सस्ता मिलता है। आपकी 34 साल की उम्र है, 12-15 हजार रुपए में आपको 1 करोड़ का टर्म कवर मिल जाएगा। बाकी जो 30,000 रुपए है वो आप इन्वेस्ट करें म्यूचुअल फंड के माध्यम से। दैट्स वन एडवाइस। कमिंग टू योर स्कीम्स अंकुश जी, मेरे हिसाब से आपकी जो स्कीम्स हैं काफी सारी हैं। जो एग्जिट की स्कीम्स हैं, कोटक फ्लेक्सी कैप है, DSP ग्लोबल इनोवेशन है, DSP मिड कैप है, आदित्य बिरला सनलाइफ कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड आपको एग्जिट करना है, HDFC हाइब्रिड फंड, मिरा एसेट हाइब्रिड फंड, ये 6 स्कीम्स आपको एग्जिट करनी है। आपके पोर्टफोलियो में काफी सारी स्कीम्स हैं, ऑलमोस्ट 11 स्कीम्स हैं। इसको आप थोड़ा श्रिंक करें, 3 स्कीम्स को शामिल करें, HDFC फ्लेक्सी कैप, SBI फोकस्ड इक्विटी, कोटक एमर्जिंग इक्विटीज। ये जो स्कीम्स की एग्जिट और एंट्री मैंने बोली है, ये पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे नहीं, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से हम जो एनालिसिस करते हैं आनंद राठी में, उसके आधार पे मैंने बोली है। इनकी जो 3 स्कीम्स जो मैंने आपको एंटर करने के लिए बोला है, उनकी संभावना ज्यादा है कि वो मार्केट को बीट कर पाए। सो दैट विल बी द एडवाइस फॉर यू डॉक्टर साहब। ओके, तो अंकुश जी आपको एडवाइस मिल गई, थोड़ा बदलाव की जरूरत है, उस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। चलिए मनीगुरु में एक और दर्शक का सवाल लेते हैं। दिल्ली से आनंद हमें सवाल पूछ रहे हैं। उम्र इनकी 31 साल है और ये कह रहे हैं कि इनके पास 4 SIPs है एट प्रेजेंट। L&T इमर्जिंग बिजनेस फंड में 3,500 के SIP कर रहे हैं, कोटक सिलेक्ट फोकस में 3,500 के SIP, मिरर एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में 2,000 के SIP है, SBI इक्विटी हाइब्रिड में भी इनकी 3,000 के SIP है। तो कुल मिलाकर 4 फंड में 14,000 के SIP है, और PPF में 1,000 रुपए डालते हैं, सुकन्या समृद्धि में भी इनका निवेश है। 2 गोल है इनके फिरोज, एक तो 50 लाख चाहिए इन्हें 18 साल के बाद बच्चे की पढ़ाई और शादी के लिए, क्योंकि सुकन्या समृद्धि में इनका निवेश है तो इनकी बेटी है मतलब, और दूसरा है 28 साल में इनको 1 करोड़ रुपए रिटायरमेंट फंड चाहिए। अभी करंट इनका पोर्टफोलियो देखकर कैसा लग रहा है, क्या कुछ बदलाव करने की आवश्यकता आपको लग रही है? पहली बात तो यह है स्वाति जी, आनंद ने 31 साल की उम्र से पहले चालू करके बहुत अच्छा काम किया है। ये काफी सालों से, 2-3 सालों से ऑलरेडी SIP कर रहे हैं, तो इनका जो टारगेट है वो पूरा होने की अच्छी खासी संभावना है। 12% की रिटर्न में भी इनको रिटायरमेंट कॉर्पस क्लोज टू 2.8 करोड़ मिल सकता है, बच्चों की पढ़ाई के 50-60 लाख उसको निकालने के बाद। तो क्योंकि ये 14,000 रुपए की SIP कर रहे हैं, काफी साइजेबल SIP है, ये इस 12,000 में भी ये अच्छे अपने टारगेट मीट कर सकते हैं। सो अपने गोल्स को बढ़ा सकते हैं, महंगाई को थोड़ा ज्यादा नजरअंदाज ना करके, थोड़ा ज्यादा इवेलुएट करके अपने गोल्स को रीसेट कर सकते हैं, क्योंकि 1 करोड़ रुपए में ये शायद ही रिटायर कर पाएंगे। 28 साल बाद 1 करोड़ की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू रीविजिट दैट आनंद एंड रिकैलिब्रेट योर गोल्स सो दैट यू अचीव देम बीटिंग इन्फ्लेशन। That's point one. इनकी जो स्कीम्स हैं उसमें से 2 स्कीम्स को एग्जिट करने की रिकमेंडेशन दूंगा। कोटक फ्लेक्सी कैप फंड को एग्जिट करना है, हर्ष उपाध्याय उसके फंड मैनेजर हैं, बट बहुत बेहतरीन फंड मैनेजर हैं, बट साइज काफी बड़ी हो चुकी है मेरे हिसाब से। उन्हीं का कोटक इमर्जिंग इक्विटीज जो मिड कैप स्कीम है वो ज्यादा बेहतर है। तो कोटक फ्लेक्सी कैप को एग्जिट करूंगा, SBI हाइब्रिड फंड को भी एग्जिट की रिकमेंडेशन दूंगा, और फंड्स टू इन्वेस्ट विल बी SBI फोकस्ड इक्विटी, HDFC फ्लेक्सी कैप। ये 2 स्कीम्स को ऐड करना है आनंद जी आपको अपने पोर्टफोलियो में, और लगातार इन्वेस्टमेंट करना है, बट ये मान के चलें कि 1 करोड़ रुपए में रिटायरमेंट करना 28 साल बाद मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि 1 करोड़ की वैल्यू आज के 20-25 लाख के बराबर ही होगी। दैट मींस महंगाई को ध्यान में रखते हुए कम से कम रिटायरमेंट प्लानिंग का जो लक्ष्य है आपको ध्यान में रखना चाहिए, और ये हर एक निवेशक के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है जो समझने और जानने की जरूरत है। एक और कॉलर का सवाल लेते हैं। राजेश पुरी का सवाल हमारे पास आ रहा है नई दिल्ली से। 54 साल इनकी उम्र है। ये कह रहे कि इन्होंने कोटक ब्लू चिप रेगुलर ग्रोथ फंड में 50,000 की और कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी रेगुलर ग्रोथ फंड में 1 लाख की
का लमसम पेमेंट, लमसम निवेश किया है 10 मई 2022 को ही, अभी हाल फिलहाल में। ये दोनों फंड को 5 साल तक होल्ड कर सकते हैं, लेकिन ये जानना चाह रहे हैं कि पहले दोनों फंड है कैसे इनके। अब लगभग 1.5 लाख तक का दोनों में इनका निवेश है, तो इनके रिटर्न की पॉसिबिलिटी दोनों फंड से कैसी निकल रही है जानना चाहते हैं। बने रहें या फिर निकलना इस फंड से सही है, हालांकि इन्होंने अभी निवेश किया है, ये क्यों कह रहे हैं बेटर प्रॉफिट के लिए इनको निकलना चाहिए कि नहीं, ये समझना हम आपसे चाहेंगे फिरोज। और कोई और फंड वो चाहते हैं आपसे जानना जिसमें वो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। देखिए इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप जब भी लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं राजेश जी, बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी एसेट एलोकेशन करें। अगर आप 1.5 लाख रुपए लमसम डाल रहे हैं 54 की एज में, अज्यूमिंग दैट यही आपकी लमसम अमाउंट थी, तो आपने दो ही स्कीम दोनों इक्विटी में डाली है, अच्छी बात नहीं है। डेट भी होना चाहिए, इक्विटी भी होना चाहिए। जैसे आज की स्थिति देख लें, मई से लेकर जून तक मार्केट ऑलमोस्ट 7-8% गिरी है। अगर डेट होता है तो एक शॉक अब्जॉर्बर जैसा हो जाता है, आप कार में बैठते हैं तो एक शॉक अब्जॉर्बर होता है डेट, वो शॉक अब्जॉर्बर का काम करता है आपकी राह में। तो डेट को पूरी तरह से इग्नोर करना सही बात नहीं है, स्पेशली लमसम इन्वेस्टमेंट्स में। दैट इज वन लर्निंग राजेश जी, एंड ये जो सीख है वो सबके लिए है, सब निवेशकों के लिए, सब दर्शकों के लिए इंपॉर्टेंट है कि इक्विटी मार्केट अच्छी चलती है तो लोग पूरे पैसे इक्विटी में लमसम लगा देते हैं, जो अच्छी बात नहीं है। सो दैट्स पॉइंट वन। पॉइंट टू, अगर कोई भी स्कीम खरीदते हैं तो आपको उनको एटलीस्ट 1 साल देना पड़ता है, 2 साल देने पड़ते हैं फंड मैनेजर को। अभी आपने मई में ही खरीदी है, आगे के इन्वेस्टमेंट्स के लिए डेफिनेटली मैं आपको जो स्कीम्स प्रीवियस दर्शक को भी बताई थी उसको रीट्रेट कर देता हूँ। HDFC फ्लेक्सी कैप, SBI फोकस्ड इक्विटी की अच्छी स्कीम्स हैं, बट जो करंट आपके 1.5 लाख रुपए इन्वेस्टेड हैं उसमें बने रहें, उनको वक्त देना पड़ता है। कैनरा रेबको एक अच्छा फंड हाउस है, कोटक भी एक बहुत अच्छा फंड हाउस है, तो आप ये दोनों में बने रहें फिलहाल। बट 1 साल तक तो आपको एग्जिट लोड भी लगती है, ये हर निवेशक को याद रखना चाहिए कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आज डाला और महीने दिन बाद निकालो तो 1% की एग्जिट लोड लगती है ज्यादातर पूरी स्कीम्स में, ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम्स में। सो प्लीज गिव इट 1 ईयर, दे विल परफॉर्म। आज मार्केट खराब है इसीलिए इनकी परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं दिखेंगी, लास्ट 1-1.5 साल में आप 1-1.5 महीने में आपके 10% 5% का नुकसान दिख रहा होगा, बट इक्विटी की ये आदत है कि आपको नुकसान दिखाएगी उसके पहले कि जब प्रॉफिट दिखाए उसके पहले आपको जरूर नुकसान दिखाएगी, आपको टेस्ट करेगी क्या आप में क्षमता है इक्विटी होल्ड करने की। तो टेस्ट पास करें और बने रहें, और थोड़ा वक्त और दें फंड मैनेजर्स को, अभी इन्वेस्ट किया है, डोंट कीप मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। ओके, तो ये तो राजीव जी को सलाह रही। एंड बिफोर वी रैप अप द शो फिरोज, क्योंकि हम SIP की बात कर रहे थे और किस तरह SIP ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें अच्छा मुनाफा कमाकर दे सकती है, लेकिन SIP को साल दर साल बढ़ाना, जैसा हम अलग अलग दर्शकों के सवाल के जरिए भी समझते हैं, वो कितना इम्पोर्टेंट है और लगभग कितने परसेंट तक की SIP को स्टेप अप करना चाहिए, एक नॉर्मल रूल क्या कहता है? देखिए रूल स्वाति जी ये कहता है कि जितनी आपकी आय बढ़ती है उतनी तो मिनिमम आपको स्टेप अप करनी चाहिए। अगर समझिए आपकी महीने की 50,000 रुपए की सैलरी है और अगर वो 5,000 से बढ़ती है तो आपको एटलीस्ट जितनी 10% की इंक्रीज हुई, 50,000 से अगर आपकी मंथली सैलरी 55,000 हो जाती है तो आपकी 10% की इंक्रीज हुई, तो आपको SIP भी 10% से अपनी बढ़ानी है। तो जितनी आपकी आय बढ़े उतनी परसेंटेज से एटलीस्ट आप अपनी SIPs को बढ़ाएं। और अच्छी बात यह है कि ये स्टेप अप करने के लिए आपको हर साल AMC से वापस डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना पड़ता है। इनिशियली आप बोल सकते हैं कि हर साल मेरी SIP 10% से बढ़ा दीजिए, आप 20 साल तक बढ़ती जाएगी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी से कोई इंटरवेंशन की आपको जरूरत नहीं है। पॉइंट वन। पॉइंट टू, अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट देखें तो इंडियन कॉर्पोरेट में जो सैलरी इंक्रीजेस होती है मेरे हिसाब से 8-10% साल दर साल होती है। अब जैसे यूरोप में 1-2% का इजाफा होता है साल दर साल अच्छे परफॉर्मर्स को कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, इंडिया में 8-10% एक नॉर्मल सैलरी इंक्रीज माना जाता है। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, टू आंसर योर पॉइंटेड क्वेश्चन स्वाति जी, अ 10% स्टेप अप शुड बी मिनिमम इन ऑल केसेस। तो 10% SIP को स्टेप अप करना आपके लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए एक बहुत अच्छा एक रूल है, जो आप अपने गोल क्रिएशन की तरफ, अपने वेल्थ क्रिएशन की तरफ, गोल को अचीव करने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। बहुत धन्यवाद करेंगे फिरोज आपका, आप हमारे साथ मनी गुरु के आज के इस शो में शामिल हुए। तो आज के शो में तो बस इतना ही,
पर ब्रेक पर जाने से पहले आपको तरीका देकर दिखाकर जाते हैं कि आप कैसे अपना सवाल पूछ सकते हैं। अपना पूरा नाम, अपनी उम्र, अपने फोन नंबर और प्रॉपर सवाल के साथ अपना सवाल जरूर भेजिए हमें और अपने अगले शो में आपके सवाल का जवाब हम अपने शो में शामिल जरूर करेंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार। We'll be right back.